इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। पहले टेस्ट में कौमी टीम की कप्तानी अजहर अली करेंगे, जबकि दिगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, असद शफीक, आबिद अली, इमामुल हक, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और यासर शाह शामिल हैं। फास्ट बॉलर सोहेल खान की 4 साल बाद कौमी टीम में वापसी हुई है, जबकि फवाद आलम और सरफराज अहमद भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट कल रोज बुध मानचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की भरपूर तैयारी है और पहले टेस्ट के लिए टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान का कहना था कि कोचिंग स्टाफ में बड़े नाम हैं, इस वक्त बैट्समैन और बॉलर भी भरपूर फॉर्म में हैं। पहले टेस्ट में ओपनिंग आबिद अली और शान मसूद ही करेंगे। एक सवाल के जवाब में अजहर अली का कहना था कि कश्मीर के मामले पर जो स्टैंड कौम और हुकूमत का है, हम उसके साथ ही हैं। उनका मजीद कहना था कि टेस्ट मैचेस में अपनी कारकर्दगी से ज्यादा मुतमिन नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस में तसलसल आए, कोशिश करूंगा कि पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर सकूं।